भाजपा की संकल्प यात्रा कोर्ट के आदेश पर बोरीवली में झांसी की रानी जॉगर्स पार्क को खोदकर फिर से तालाब बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में शनिवार को सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में सैकड़ों लोगों ने कांदिवली परिसर जिम खाना से बोरीवली झांसी की रानी जॉगर्स पार्क तक रैली निकाली, जहां लोगों ने सांसद के साथ झांसी की रानी जॉगर्स पार्क बनाने का संकल्प लिया। बोरीवली में झांसी की रानी जॉगर्स पार्क सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयास से बनाया गया था, जिसको लेकर मीरा कामत नामक समाज सेविका ने मुंबई हाई कोर्ट गई। मीरा कामत का कहना था कि झांसी की रानी जॉगर्स पार्क की जगह एक तालाब था जिसे पाटकर बनाया गया है। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने झांसी की रानी जॉगर्स पार्क की खुदाई शुरू कर तालाब बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके विरोध में शनिवार को सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में सैकड़ों लोगों ने कांदिवली परिसर जिमखाना से बोरीवली झांसी की रानी जॉगर्स पार्क तक रैली निकालकर निषेध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर तालाब पर जब जॉगर्स पार्क बन रहा था उस समय बाकायदा महानगर पालिका और जिलाधिकारी से परमिशन लेकर बनाया गया था, बनाने में पैसे लगे थे। अगर जॉगर्स पार्क बनाने में जितना दोषी मैं हूँ उतना ही जिलाधिकारी और मनपा के अधिकारी भी दोषी हैं। मैं चाहता हूँ कि जाँच की जाए और जो भी दोषी हैं उनको सजा दिया जाए। साथ ही जो जॉगर्स पार्क बनाने और अब उसको खोदकर फिर तालाब बनाने में खर्च हो सभी अधिकारियों से भी वसूला जाए। दो दिन के ये बुलावे पर आज करीब 12 बजे कम्युनिकेशन नहीं था उनके साथ। जयप्रकाश मिश्रा जी भतीजी है, क्या नाम है आपका? खुशी है, जोरदार ताले से खुशी हो रही है। देखे झांसी की रानी का जो निर्माण कार्य बोरीवली में हुआ, सभी प्रकार के परमिशन कलेक्टर और गवर्नमेंट के पास से लेने के बाद में बना। उसके विरोध में एडविन ब्रिटो एंड कंपनी कोर्ट में गई, कोर्ट को गलत जानकारी देकर ऑर्डर प्राप्त किया। ये हमारी कमजोरी रही कि हम सही बातें हमारा वकील कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया, इसलिए झांसी की रानी को तोड़ने का काम शुरू है। हम ये संकल्प यात्रा निकाल कर ये तय कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में झांसी की रानी पहले से भी अच्छा बनाएंगे। जो कलेक्टर के ऑफिस ने गलत रिपोर्ट किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। माड़ा के अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया उसके ऊपर करना चाहिए, और महानगर पालिका के अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है उसके ऊपर करना चाहिए। ये तीनों अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया, ऐसा अगर कन्विंस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके हमको जैसा ऑर्डर सही होना चाहिए वैसा प्राप्त करके देना चाहिए। ये हमारा संकल्प यात्रा के माध्यम से मांग है। संकल्प यात्रा हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ांगण से वीर सावरकर जाएंगे और वीर सावरकर से झांसी की रानी पर हम कूच करने वाले हैं। सर, यहाँ देखा जाए कि अभी जो करोड़ों की लागत से बढ़िया बना हुआ था, आज करोड़ों की लागत से वो तोड़ा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो गवर्नमेंट का हुआ है, इसलिए ये मैं मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करो और उनसे पैसे भी भरवाओ, तो ये अधिकारी आने वाले दिनों में सही ढंग से काम करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ, प्रारंभ मुझसे करे, अगर मैंने कोई भी गलत किया है तो प्रारंभ मुझसे करे, मुझ पर भी कार्रवाई करे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुझे जनप्रतिनिधि करके काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पब्लिक को अगर गुमराह करता हूँ, मैं सरकार के सरकारी अधिकारियों के विरोध में कोई आंदोलन करता हूँ, इसका मुझे अधिकार नहीं है।
अगर मैंने गलती किया है तो मुझ पर कार्रवाई करे, ये सारा बात खत्म हो जाता है। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो फिर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करो और मेरा झांसी की रानी वापस रीइंस्टेट करो, ये मेरी मांग है। सर मराठी में बताइए।